आप देख रहे हैं दखल न्यूज। नमस्कार, मैं हूं अनुराग, आप देख रहे हैं विभाग बात। विभाग बात में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ भदौरिया स्टूडियो में। अमिताभ, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अमिताभ के बारे में ये बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल अंचल से अमिताभ आते हैं और धुआंधार पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं। अमिताभ के भीतर एक लेखक है जो वक्त वक्त पर करवट लेता है और उसमें से कुछ व्यंग निकल के आते हैं। कई बार वो बहुत तीखा कटाक्ष करते हैं। अमिताभ की नई किताब उल्लू का पट्टा, बड़ा अजीब लगता है सुनने में, लेकिन ये उल्लू का पट्टा समर्पित है राजनीति को। जी, ये व्यंग है, राजनीतिक व्यंग है। और वैसे क्या भारतीय राजनीति में कई सारे इस किस्म के पट्टे नजर आते हैं? ये जो राजनीति है देश की, है तो उसी पर फोकस, बस छोटी छोटी चीज़ों की कहानियों को इसमें परोया है। राजनीति में जो परंपरागत राजनीतिज्ञ हैं, जो अपने बेटों को लॉन्च कर रहे हैं राजनीति में, ला रहे हैं, बेटियों को ला रहे हैं, और अगर उनमें वो गट्स नहीं है, शौक नहीं है, वो आना नहीं चाहते, उनकी कोई फील्ड अलग है, तो किस तरह से वो उनको लाते हैं, उनको प्रेशर डालते हैं या उनको ट्रेंड करते हैं, वो सब इसमें दिखाया गया। वो भी बहुत ही व्यंग तरीका है और मजाकी तरीका, हास्य तरीके से ये दिखाया गया है। किसी ने लिखा भी है कि राजनीति का च्यवनप्राश देखो, गधे खा रहे च्यवनप्राश देखो, राजनीति का सत्यानाश देखो, कैलाश के आकाश देखो और जयवर्धन का विकास देखो। लोग वक्त वक्त पे सटायर करते हैं। अभी जिस तरह की राजनीति देश में चल रही है अमिताभ, उसे देख के क्या लगता है कि क्या सिनारियो है? लोग कई बार देखने में आता है कि सदनों में झूठ बोल देते हैं सरेआम। स्थिति वही है कि एक जो मटका है, मटके को बड़ा कलर करके, बड़ा खूबसूरत बना के प्रेजेंट किया जा रहा है, लेकिन अंदर से वो खोखला है। वही है कि जो दिख रहा है वो अंदर नहीं है। दिक्कतें बहुत हैं, जिस तरह से धरातल पर जो चीज़ें होना चाहिए वो चीज़ें नहीं दिख रही हैं, लेकिन उनको बड़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है, वो प्रॉब्लम है। इसमें उल्लू का पट्टा की बात करें तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है कि उल्लू का पट्टा राजनीतिक वंशवाद पर हास्य शैली का व्यंग है। रंजीत कपूर फिल्मकार हैं, वो लिख रहे हैं। एक हमारे साथी हैं कृष्णकांत उपाध्याय, वो लिख रहे हैं कि उल्लू का पट्टा लोकतांत्रिक अव्यवस्थाओं पर करारा व्यंग है। और यहाँ मैं कहना भी चाहूँगा, मुझे लगता है अमिताभ मुझसे सहमत भी होंगे, कि पत्रकारों के लिए कहा जाता है कि ये विरोध में लिखते हैं। हम लोग हमेशा जो व्यवस्था है उसमें जब अव्यवस्था नजर आती है तब लिखना शुरू करते हैं। पत्रकार जो पत्रकार है वो ना विरोध में लिखता है ना पक्ष में लिखता है, जो दिखता है वो लिखता है, सच लिखता है, सच लिखता है। जो दिख रहा है वो लिखना चाहिए, सही भी हो सकता है। हम लोग अच्छी चीज़ें भी लिखते हैं, प्रमोट भी करते हैं, कोई अच्छा काम करता है तो ऐसा नहीं है कि मतलब अच्छी चीज़, जो लोग अच्छे काम कर रहे हैं उसको प्रमोट नहीं करते, उनको भी दिखाते हैं, लेकिन जब खामियाँ हैं, कमियाँ, वो भी दिखाते हैं। तो जो है एक्चुअल वही हम हमारे समाज में सहज रूप से कहा जा सकता जाता ही है, तो कि एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन सकता है, शिक्षक का बेटा शिक्षक बन सकता है, तो नेता का बेटा नेता क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल बन सकता है नेता का बेटा, लेकिन उसमें वो चीज़ होना चाहिए। अगर वो खुद ही नहीं चाहता है नेता बनना और उसको फिर फोर्सली एन कैन प्रकार हैं या जबरदस्ती करके उसको लाएंगे, तो कहीं ना कहीं वो अपना जो आउटपुट होगा या जो काम करने की क्षमता होगी प्रभावित होगी, वो नहीं दे पाएगा, वो ना सेवा कर पाएगा, उसका दिमाग कहीं और रहेगा। इसमें ऐसे कितने लोगों को टारगेट किया है? इसमें टारगेट तो सभी नेता हैं जो मतलब इस तरह से बच्चों को प्रमोट कर रहे हैं या लाना चाहते हैं, जो नहीं आना चाहते हैं, जिनको जबरदस्ती करके राजनीति में ला रहे हैं, वही चीज़ है। इसमें नाम किसी का नहीं है, लेकिन सब सबके ऊपर भी है ये, क्योंकि जो सत्ताधीश हैं, हुक्मरान हैं, मैंने देखा, मैं तो मध्य प्रदेश की बात करता हूँ आपसे, बहुत सीधी सीधी बात और आपकी राय जानना चाहूँगा, मुझे लगता है कि दर्शकों को भी मज़ा आएगा। कमलनाथ जी हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अपने बेटे को अपनी जगह से छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ा दिया। जी बिल्कुल नहीं, अगर वो आप, मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि पब्लिक में उनकी जो क्षमता है क्या दिखती है। आना कोई ऐसा नहीं कि नहीं आ सकते, आना चाहिए। दिग्विजय सिंह के भी बेटे हैं, ठीक है, उनमें क्षमता है, वो दिखते हैं, लेकिन कमलनाथ जी के बेटे में अगर क्षमता दिखती है लोगों को, तो बिल्कुल उनको जिताना चाहिए, लाना चाहिए। जो बेटे हैं नकुलनाथ, वो एक बहुत सफल उद्योगपति हैं, उद्योगपति हैं, बड़े शालीन किस्म के व्यक्ति हैं, लेकिन अच्छे राजनेता साबित होंगे कि नहीं, मुझे उनकी कार्यशैली देख के उन पर बड़ा संदेह होता है कि राजनेता अच्छे वो शायद ही साबित हो पाए। हाँ, ये जो चुनाव भी जीते हैं, मुझे लगता है कि वो सिर्फ कमलनाथ जी की वजह से जीते हैं।
बिल्कुल, वो तो है, कमलनाथ का प्रभाव तो है, जीते होंगे। और लेकिन अब ये सवाल ये है कि वहाँ उन्होंने क्या काम किया क्या नहीं किया, ये सवाल है। क्योंकि अगर मान लो उन्होंने काम किया, कभी कभार क्या होता है बिना काम के भी जीत पॉसिबल हो जाती है स्थितियों के हिसाब से। भाजपा जो शिवराज सरकार थी उसके खिलाफ लोगों का गुस्सा था, आक्रोश था, आक्रोश था, तो वो उसका दिखा है। अब पता चलेगा, मान लो अब नए नए जो चुनाव होते हैं, जो भी स्थिति बनती है, तो वो जीत पाते हैं नहीं जीत पाते हैं, उससे पता चलेगा। कभी कभार क्या होता है कि क्षमतावान नहीं होते भी लोग जीत जाते हैं, आगे आ जाते हैं। भारतीय भारतीय राजनीति की बात करूं तो अमिताभ, कितने प्रतिशत उल्लू के पट्टे भारतीय राजनीति में आपके? हर फील्ड में 90% लोग हैं, 10% ही सब चला रहे हैं, 90% लोग उल्लू के पट्टे ही हैं हर फील्ड में, चाहे राजनीति हो चाहे बिजनेस हो कोई भी हो, 10% ही खींच रहे हैं सब। और लक्ष्मी जी का वाहन है उल्लू, कहते हैं जहाँ उल्लू बैठता है वहाँ धन और संपत्ति और संपदा आती है। हाँ नहीं वो ठीक है, लेकिन ये दोनों कौन सी चीज़ कहाँ शब्द कहाँ फिट हो रहा है वो सवाल है। उल्लू वाहन है ठीक है, लक्ष्मी जी का वाहन है, लेकिन उल्लू का पट्टा जो शब्द है वो अलग मायने हो जाते हैं। शब्दों के मायने कहाँ है वो वही चीज़ है उसमें, कि एक इसमें जो दिखाया गया है एक नेता है दो जिसमें दो परिवार हैं, दोनों के दादा परदादा चुनाव लड़ते रहे जीते रहे हैं। अब वो चाहते हैं कि एक पक्ष से कि हमारी बेटी इलेक्शन में विधायक का चुनाव लड़े और एक चाहता है लड़कर लड़े। तो अब जब लेकिन दोनों को इंटरेस्ट नहीं है राजनीति में, फिर जब दोनों को इस तरह से वो तैयार करते हैं, उतारते हैं, लोगों के बीच ले जाते हैं, किस तरह से वो भाषण देते हैं, किस तरह से चीज़ें होती हैं, वो सब इसमें दिखाया गया है। इसलिए वो बार बार उससे बोलता है कि तुम तो उल्लू के पट्टे हो, तुमको कितना भी मार पीटो तुम तैयार नहीं हो सकते। तो वो किस तरह से तैयार करते हैं वो इसमें दिखाया गया है। एक बहुत सोशल मीडिया पे वायरल होता है एक जोक भी है कि एक बेटा अपने पिता से कहता है कि मैं अच्छा नेता कैसे बन सकता हूँ, तो वो उसको ऊपर के माले पे ले जाते हैं और धक्का देते हैं, बच्चा नीचे गिरता है, उसका पैर टूट जाता है, कहता है आपने ये क्या किया मेरे साथ। तो राजनीति का पहला उसूल यह है कि अपने बाप पे भी विश्वास ना करो। ये विश्वास का मामला तो है, फिर पब्लिक भी क्या विश्वास करेगी। ये तो पब्लिक को भी धक्का दे देगी। लेकिन ये पब्लिक, आप लिख रहे हैं, आप लोगों का मानस टटोलते हैं, कोई भी राइटर होता है पहले वो लोगों के मन को पढ़ता है, फिर चिंतन करता है, वही लिखता है जो समाज में हो रहा होता है, जो विद्रूपताएं सामान्य तौर पर वही व्यंग्य के रूप में सामने आती है। मुझे लगता है कि राजनीति का हर हर क्षेत्र में गिरावट आई, लेकिन राजनीति में खास करके बड़ी गिरावट देखने को मिली। बिल्कुल, क्योंकि सारा मतलब सारा दारोमदार चलाने का मतलब कहते हैं कि ड्राइवर है पूरे देश का, पॉलिटिकल जो भी है नेता हैं विधायक हैं जो भी सांसद हैं सब वो एक ड्राइवर है जो कार गाड़ी चला रहे हैं देश की। अगर वो ड्राइवर गड़बड़ हो गया, जिस तरह से अब देखते हैं कि भाई दारू पी के गाड़ी चला रहे हैं, जिस तरह से जो वीडियो वायरल थे, अगर मान लो वो ड्राइवर में कुछ खमी होगी गड़बड़ होगी या चलाएगा तो दिक्कत तो होगी, गाड़ी डगमगाएगी, कहीं एक्सीडेंट भी हो सकता है, वही स्थिति बन रही है, इसलिए भरोसा टूटता जा रहा है लोगों का। अमिताभ ने शुरुआत शायद दैनिक भास्कर से किया। जी, दैनिक भास्कर अकेडमी से शुरुआत की, फिर वहाँ लंबे समय तक नौकरी। हाँ, भास्कर में लंबे समय तक रहा। विभिन्न समाचार पत्रों में अमिताभ ने काम किया। मतलब एक चीज और जानना चाहता हूँ, कई बार क्या नेताओं की तरफ से प्रेशर आते हैं मीडिया? बिल्कुल, प्रेशर नेताओं की तरफ से भी सभी तरह से प्रेशर आते हैं। तो प्रेशर क्या है कि नेताओं की तरफ से क्या, आप जब सीधी उलट खबर जाती है, किसी हो जाती है, कभी घटना हो रही है, तो वो तो प्रेशर डालेंगे, वो उनका उलट खबर ना, उसे कहें सच खबर। जब सच खबर उनके हिसाब से उलट है, हमारे हिसाब से तो सच है, लेकिन प्रेशर तो आएगा। लेकिन ये तो एक एग्जाम्पल देना चाहेंगे, आपने जिक्र किया, राघवेंद्र जी पीपल्स में एडिटर थे, है ना, मैं खबर कौन सी थी नहीं बताऊंगा, तो एक खबर मैंने ब्रेक की, तो उनके पास एक डायरेक्टर का कॉल आया कि इस खबर को रुकवा दी जाए। तो ये होता है कि जो एडिटर है वो किस तरह का होना चाहिए। उन्होंने कहा था कि अगर आप बात करिए अमिताभ से, अगर वो रोकना चाहें तो रोक सकते हैं, बोले हम उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो ये चीज़ होती है, अगर चाहते तो रोक सकते थे क्योंकि उनके पास पावर थी। यही चीज़ है कि प्रेशर तो हर जगह से आता है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपके जो सीनियर हैं या जिस संस्थान में काम कर रहे हैं वो उस चीज़ को किस तरह से ट्रीट कर रहा है। राघवेंद्र सिंह अच्छे पत्रकार हैं और उनके दौर में पीपल बहुत अच्छा चला, पीपल समाचार भोपाल का मैंने देखा उनको, बहुत साफ गोई से खुद भी लिखते हैं वो, जिसको हम कहते हैं अखबारी लैंग्वेज में बजाना, थोक के बजाते हैं वो जब खबरदारी करते हैं। जी, अच्छे कॉलम, मतलब उनका कॉलम अच्छा आता है। एक चर्चा चली तो, और कौन कौन से ऐसे जर्नलिस्ट हैं मध्य प्रदेश में जो अच्छे लगते हैं आपको, कि निष्पक्ष काम कर रहे हैं, अच्छा लिखते हैं या अच्छी खबरदारी करते हैं टेलीविजन पे, ऐसे कितने लोग हैं? ऐसे तो अब नाम कैसा ऐसा वो नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जो अच्छा लिख रहे हैं। कभी कभार बहुत सारी परिस्थितियाँ रहती हैं ना लिखवाने के कारण, जिस संस्थान में आप काम कर रहे हैं वहाँ कभी कभार कई चीज़ें होती हैं आप नहीं कर पाते हैं काम, लेकिन अब नाम तो किसी का ऐसा नहीं कह सकते, सब
बहुत सारे लोग अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि अब आरोप राजनीति के लोग मीडिया पे बहुत लगा रहे हैं। आपने देखा होगा कि भक्त मीडिया, गोदी मीडिया, पप्पू मीडिया, चप्पू मीडिया, मीडिया को भी नाम दिए जा रहे हैं। सारा रेवेन्यू का खेल है। अब एड एड का मामला जुड़ा हुआ है, मालिकों के हित जुड़े हुए हैं, वो चीज़ तो प्रभावित करेंगी। वो जब ऊपर से चीज़ प्रभावित होगी तो यही वजह है कि बड़े संस्थान, मैंने देखा कई बार वो खबरें नहीं कर पाते जो छोटी संस्थाओं में बहुत दमदारी के साथ कर दी जाती। छोटे संस्थान में सिंगल व्यक्ति, उसके पास कोई प्रेशर ही नहीं है, उसको लगाना नहीं लगाना उसके ऊपर है। बड़े संस्थानों में तो स्टेप बाय स्टेप चीज़ें रहती हैं, आपको पहले ऊपर दिखाना पड़ेगी, न्यूज लगेगी, फिर उसके ऊपर जाएगी, बहुत बड़ा मुद्दा है तो मालिकों तक जाएगी, फिर उसके बाद डिसीजन होना है। वो न्यूज लगना ही नहीं लगना, वहाँ भी डिसीजन का मामला होता है, उसमें पत्रकारों का कोई रोल नहीं हो पाता कभी कभार, लेकिन प्रेशर आते हैं। ये बात प्रेशर तो सही है। कभी पत्रकारिता के दौरान प्रलोभन भी आए? हाँ, प्रलोभन आए, कई बार ऐसा आया कि न्यूज रोकने के लिए, भाई न्यूज रोक लीजिए, लेकिन वही रहता है कि अगर हम इस फील्ड में आए हैं तो हमारा भी फर्ज बनता है चीज़, अगर किसी खेसे जुड़ी हो तो। कभी ऐसा लगता है कि जब बहुत कुछ हम अखबारों में नहीं लिख पाते तो फिर कभी सत्ता परिवर्तन बन के या कभी उल्लू का पट्टा बन के हमारे भीतर जो कुछ दबा होता है सब निकल आता है। बिल्कुल, कविताएं हैं इस तरह का। अब तो सोशल मीडिया इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हो गया कि आप उस पर अपनी चीज़ रख सकते हैं। हमारा तो ये कंटिन्यू कुछ ना कुछ सब फेसबुक पे अपने डालते रहते हैं, करंट टॉपिक पर भी डालते हैं, लोग पसंद भी करते हैं। सतत लिखते रहना चाहिए एक पत्रकार को, चाहे वो खबर की शक्ल में हो या फिर किताब की शक्ल में हो, सच सामने आना चाहिए। अमिताभ से बातचीत का दौर हम जारी रखेंगे, फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, खेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। From quality education to 100% placement assistance, student gets everything at LNCT University. इसीलिए LNCT University है most trusted name among students. Admissions open for UG and PG. Choose the best to be the best. LNCT University. Log on to lnctu.ac.in. आप देख रहे हैं दखल न्यूज। विभागवाद में आपका स्वागत है। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ बुदोलिया इस समय हैं और उनकी किताब उल्लू का पट्टा को लेकर उन्होंने अपनी राय रखी कि क्या उनके मन में था, किस तरह से किताब का प्लॉट बना। इसके नाम को लेकर दिमाग में था कि उल्लू का पट्टा ही नाम होगा किताब का? हाँ, ये पहले ही नाम था। हम जब इस किताब को लिख रहे थे तो कई लोग एक्चुअली क्या फिल्म के नज़रिए से हमने किताब लिखी है, हमारे नॉवल आ रहे हैं वो फिल्म की स्क्रिप्ट पहले हम लोगों ने, हमने पहले स्क्रिप्ट तैयार की। ये हमारी प्रोसेस, मतलब कह सकते हैं आमतौर पर क्या होता है कि किताब के बाद फिल्म लिखी जाती है, बुक्स आती हैं उसके बाद स्क्रिप्ट। हमने इसका प्रोसेस, हमने पहले इसकी स्क्रिप्ट तैयार की, इसकी पहले हमने स्क्रिप्ट हुई, फिर हमने इस पर डिस्कस किया कुछ मुंबई लोगों से, इसका टाइटल क्या होना चाहिए, अशोक मिश्र जी हैं इस तरह के लोगों से, श्याम कौशल हैं विकी कौशल के फादर, तो और उन्होंने फिर लोगों से सुझाव दिए, तो फिर हमने फिर इसका टाइटल उल्लू का पट्टा रखा। उन्होंने उनको कुछ सिनॉप्सिस भेजी थी, तो इस तरह से लोगों के फिर कमेंट्स आए, फिर हमने उस हिसाब से फिर उन्होंने कहा टाइटल ये रख सकते क्योंकि पॉलिटिकल था, इसलिए फिर वो सेटायर था। बाजार का रिस्पांस कैसा है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ होती है कि बाजार का रिस्पांस ठीक है। लोगों को धीरे धीरे क्या है, अब ऑनलाइन मार्केट भी हो गया है, हार्ड कॉपी तो कम रहती है, धीरे धीरे रिस्पांस आ रहा है। कई चीज़ क्या होती है, कभी कभार लेट भी आती हैं, लेकिन वैसे फीडबैक अच्छा है और लोग उसको पसंद भी कर रहे हैं। अब हम इस शो को विभाग बात को करते हैं तो सामान्य तौर पे इसमें राजनेता
ही आते थे, लेकिन इसके बाद इसको हमने चेंज किया कि पत्रकार या विभिन्न विधाओं से जुड़े हुए लोग इसमें आते हैं। लंबा अरसा आपको पत्रकारिता करते हुए गया, किताबें भी आपने लिख डाली। जब आप आए तो दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। हाँ, 2000 में दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे। मैंने भास्कर एकेडमी से पत्रकारिता शुरू की। उस दौर में अंधेरा भी देखा होगा, सड़क के गड्ढे भी देखे होंगे। बहुत सारी चीज़ें चेंज तो हुई हैं इन वर्षों में। जब 2000 में इधर आया था तो अब ये सर क्या खामी रही, किसकी खामी रही, ये तो अलग बात है क्योंकि काफ़ी समय हो गया। लेकिन जो पहले की रोडों की स्थिति दिख रहा है वो अभी भी देख रहे हैं हम फिर से, फिर वही स्थिति दिख रहा है। क्या मुझे लगता है कि अगर मैं कुछ अच्छे का श्रेय लेता हूँ तो अब यश का भागी भी मैं ही हूँ। बिल्कुल होना ही चाहिए। मुख्यमंत्री ये कहता है कि मैंने ये किया ये किया, जो आपको एक्चुअली क्या है कि इस मतलब देखा जाए तो जैसे शिवराज सिंह सरकार में ना बीजेपी का हूँ ना कांग्रेस का हूँ, मैं एक निष्पक्ष हूँ, तो दिखता था काम जो भी हो। आप भी देखेंगे कि पहले पहले हम बात करें 93 से लेके और 2003 तक, वो दशक आपने देखा हुआ छात्र के रूप में, एक आम नागरिक के रूप में और फिर पत्रकार के रूप में। छात्र के रूप में भी देखा है, अव्यवस्थाएं तो बहुत हैं। क्या होगा, आप चीज़ें जिस तरह से चेंजेज हुई हैं, पहले आप किसी भी ऑफिस में कोई काम कराने जाते हैं या स्कूल कॉलेज में भी जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो कितनी दिक्कतें होती थी चीज़ों की, उस सब ने देखा। वो टेबल के नीचे का सिस्टम, टेबल के सिस्टम, भ्रष्टाचार तो था ही, लेकिन चीज़ें एक सिस्टमेटिक नहीं थी हर चीज़ के लिए। अब आप सिलेंडर भी लेते थे, आप उसका सोचिए, जब आप स्कूल कॉलेज में जब सिलेंडर लेने जाते थे आपको घंटों लाइन में लगना पड़ता, महीनों इंतजार करना पड़ता, इंतजार भी करना आता है, घंटों लाइन में लगे। आप एक टेलीफोन का कनेक्शन लेने जा रहे हैं तो आपको पता नहीं कितनी सिफारिश कराना पड़ता, सालों लग जाते थे। अब वो चीज़ नहीं है, तो चेंजेस तो हो रहे हैं, लेकिन वही है कि अच्छे चेंजेस भी जो दिख रहे हैं वो दिग्विजय सिंह जी का शासन देखा, मुझे लगता है उसके बाद उमा जी तो एक साल के लिए आई। उमा जी का तो खैर इतना कुछ जाना था नहीं, लेकिन दिग्विजय सिंह के शासन में आप शासन किस तरह से चलाना चाहिए, मेन चीज़ ये है कि आप कूप मंडू बन के नहीं बैठ सकते। मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दूंगा कि मैं किसी पार्टी का विरोधी नहीं रहा, ना कांग्रेस का ना बीजेपी, है ना। और क्योंकि हम लोग जर्नलिस्ट हैं तो सभी लोगों से हमारा संपर्क रहना कोई मतलब नहीं रहता, सभी लोग हमारे संपर्क रहते हैं, लेकिन जो चीज़ें देखते हैं उससे अपने आप अंदर का एक आदमी तो आक्रोश दिखता है ना, तो वो चीज़ें आप देख रहे हैं। बिजली की प्रॉब्लम होने लगी है, सड़कों की प्रॉब्लम, लोगों में बहुत आक्रोश था। और बाकी कुछ ऐसा दिखता नहीं है कि मतलब कि उनका कोई कसावट हो किसी चीज़ पर, वो सबसे अमिताभ। इससे मैं इसलिए सहमत हूँ कि दिग्विजय सिंह साहब जब भोपाल से चुनाव लड़े अभी लोकसभा का और वो चुनाव हारे तो वो आक्रोश अभी तक था, आक्रोश था। तो ये आक्रोश क्यों है, चीज़ कहने से हमने अभी कमलनाथ जी को एक लेटर लिखा था, इसमें हमने बताई थी कि क्यों लोग आक्रोशित हैं, इस चीज़ का आपको आकलन करना चाहिए। हमने कहा अभी इतने महीने हुए, इतने महीने में अगर लोग आक्रोश होने लगा, 6-7 महीने में क्यों हो रहा है, लोग जा रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी चीज़ है कि आप रिप्लाई नहीं दिया आपने, तो आप सोचिए कि क्या स्थिति होगी। अगर यही चीज कोई और होता, समझदार व्यक्ति होता, तो वो रिप्लाई करता, ये चीज रहती है। जबकि अब मैंने देखा कि रिप्लाई करना ही चाहिए आपको, मंत्री मंत्री को बड़ा सोशल होना चाहिए। मैंने तो मेल किया था उनको लेटर, हो सकता है चीजें सुधार रहा हूँ, ठीक है। उमा जी की सरकार आई, उमा जी के अधीक्षक साहब बाबूलाल गौर साहब, बड़े तजुर्बेकार थे, आपने देखा होगा उस दौर में आप भोपाल में थे जी, वो बहुत कूल थे। वो देखिए जितना भी समय रहा हो, लेकिन ये क्या है कि वो दो तरह से लोग रहते हैं, एक तो एक होता है कि वर्किंग बहुत अच्छी हो तो आदमी कितना भी स्टेक हो सब आदमी समझता नहीं, ठीक है। गौर जी की वर्किंग तो अच्छी थी, गौर जी की वर्किंग भी अच्छी थी, और वाई नेचर और वाई मतलब एक जमीनी नेता जो रहता है वो उनमें थी, इसलिए लोग उनको लाइक करते, हालांकि उनको भी ज्यादा समय नहीं मिला, ज्यादा समय नहीं मिला, लेकिन लाइक। फिर शिवराज सिंह जी, शिवराज सिंह को ने काम तो किए हैं, जो भी रहा भ्रष्टाचार ये चीजें वो अलग मुद्दा है, लेकिन जो जनता की जो नजर में दिख रहा है वो काम तो दिखते हैं, आम लोगों को जो दिखे वो चीज़ें दिखती हैं। वही चीज़ है कि लोग को अब नहीं दिख रही हैं, वो प्रॉब्लम आ रही है। मैं छोटा सा एग्जांपल दूँ, कल मैं 10 नंबर से घर रास्ते गया BHEL होते हुए, तो वो BHEL का रास्ता कभी हेमा स्कूल की तरफ से बहुत अच्छा रोड था, कल 1 घंटा लग गया पहुँचने में, इतने गड्ढे हो गए। तो अब ये 10 साल एकदम ऐसा तो नहीं कि 10 साल पहले तो नहीं थे अभी, तो ये चीज लाइट की प्रॉब्लम शुरू हो गई है। तो व्यवस्थाएं चीजें देखना चाहिए भाई, पब्लिक को तो नजर आना चाहिए। अमिताभ ने कमलनाथ जी को चिट्ठी लिखी और कमलनाथ जी ने उसका जवाब तक देना मुनासिब नहीं समझा। ये एक राजनीति में एक हट पैदा हो गया है, एक सुपीरियरिटी पैदा हो गई है, ये नहीं होना चाहिए। हाँ, ये नहीं होना चाहिए। आपको दूसरा क्या है कि अगर आपको कोई सुझाव दे रहा है तो आपको लेना चाहिए सुझाव। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं सबको चलाऊं, ठीक है चलाइए, वो तो जनता पब्लिक है। पॉलिटिकल लिखते हैं, आपको लगता है कि दिल्ली में एक सरकार है वो कहती है कि 200 यूनिट तक बिजली फ्री, जो दूसरे राज्यों से बिजली खरीदती है, वो अपने लाइन लॉसेस कंट्रोल करती है, सब करती है। हमारे यहाँ ये आरोप प्रत्यारोप लगता रहता है कि उसका ट्रांसफार्मर पिछली सरकार ने खराब कर दिया था, ये खरीदी गलत हो गई थी, इसमें घोटाला हो गया था, हम काम ठीक नहीं करते, आरोप प्रत्यारोप में लगे। आरोप प्रत्यारोप से जाना बेहतर है कि आप काम करें, आपने कमियाँ जो छोड़ गए हैं उनको पूरे करिए, उनको सुधारिए,
तब तो आपका आपकी काबिलियत है। अगर वो कमी पर ही आरोप लगाते रहे तो वो कमी रहेंगी, वो तो अभी भी रहेंगी, आगे भी रहेंगी, तो कमी है सुधारने पर ध्यान देना चाहिए। एक और सवाल मध्य प्रदेश को लेकर है, कमलनाथ जी की सरकार को जो भी बहुमत मिला वो सत्ता में आ गए, लेकिन लोकसभा के चुनाव हुए तो एकदम सुपड़ा साफ एक शब्द हम देखते हैं, तो वो आक्रोश दिख गया ना, वो 3 महीने में आक्रोश दिख गया लोगों का, क्योंकि सरकार बनते ही कोई ऐसा नहीं सरकार को लेकर मतलब लोगों को लगा नहीं बहुत अच्छा डिसीजन लिए, लोग लग लगता है कि जैसे कुछ गलत डिसीजन ले लिया हो, वही वो चीज़ दिख रही है। तो इन चीज़ों का सब इनको भी एनालिसिस करना चाहिए, और हम चाहते हैं रहे सरकार अच्छा काम करे, कोई भी रहे, ये रहे वो रहे, लोगों का काम होना चाहिए। अभी तक जो आपने मुख्यमंत्री देखे जिसमें दिग्विजय सिंह साहब को देखा, बड़े नेता हैं कांग्रेस के, उमा भारती बड़ी नेता भारतीय जनता पार्टी की, बाबूलाल गौर साहब तजुर्बेकार नेता, शिवराज सिंह एक डायनामिक आदमी आम आदमी की छवि वाले नेता, कमलनाथ जी बहुत बड़े बिजनेसमैन और बड़े नेता कांग्रेस के। दिग्विजय सिंह कमलनाथ जी हैं नेता, मतलब नेता तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन पब्लिक आज के समय चीज़ें बदल गई हैं, आज के समय में आदमी को उस तरह का नहीं चाहिए कि ज्योतिराज सिंधिया भी हार गए, आपको पता है तो क्यों हार गए, वो चीज़ का वही चीज़ महत्वपूर्ण है, लोग चाहते हैं कि जो आपका जनप्रतिनिधि है वो बीच में रहे, आपकी वो चीज़ें समझे, शिवराज सिंह ने वही। तो क्या कमलनाथ जी से गलती हो रही है अभी समय? ये गलती हो रही है कमलनाथ जी से, लोग क्यों टूट रहे हैं ये चीज़ देखना चाहिए आपको। यूथ कांग्रेस, आपको इलेक्शन के पहले यूथ कांग्रेस कितनी बड़ा आंदोलन करते रहते, आपको यूथ कांग्रेस दिखता है, कहाँ गए वो सारे यूथ? अब क्या जनता को जरूरत नहीं है? आपको जो चीज़ें हैं आपको आना चाहिए, उनकी हेल्प करना चाहिए, कहाँ कोई दिखता ही नहीं है, अब आपको सड़क पर कोई दिखेगा नहीं, सिर्फ बयानबाजी में ही लगे रहते हैं, बयानबाजी से। अच्छा एक चीज़, लोकसभा चुनाव हुआ उसके बाद कांग्रेस ने कहा कि हमारे प्रवक्ता टीवी डिबेट में नहीं जाएंगे, अंदर बातें नहीं करेंगे, ये किस तरह की चीज़? ये तो गलत है, आप किसी को रोक थोड़ी सकते हैं, ये तो अभिव्यक्ति को रोकने वाला मामला है। आप तो ऐसा करिए कि आपकी भाई भाई करेंगे लोग, मतलब आप इतना अच्छा काम करिए कि लोग जाएं डिबेट करें तो लगे कि हाँ वो अपने दमदारी से बात रख सके, हमने ये काम किया, इसका मतलब आप खामी है, वो प्रचार नहीं कर सकते, तो इसलिए उन्होंने बंद किया। ये तो कोई भी किसी को भी हो, चाहे कमलनाथ हो या कोई हो, किसी को नहीं रोकना चाहिए। और दिल्ली से प्रवक्ता का मतलब है, प्रवक्ता जरूरी नहीं था कि हमारे जो पैनलिस्ट हैं या मीडिया में जो बात करते हैं वो लोग अब नहीं करेंगे, तो प्रवक्ता फिर जरूरती क्या है? फिर प्रवक्ता शब्द ही क्या है, प्रवक्ता का मतलब क्या हुआ? ये पोस्ट ही खत्म करते हैं कि हमारे यहाँ कोई प्रवक्ता नहीं है। मध्य प्रदेश में जो कुछ लग रहा है इसके कोई किताब नहीं लिख रहा है? मध्य प्रदेश पे अभी कुछ एक्चुअली ये सारे फिक्शन में है, जब भी प्लान करेंगे तो उसको फिक्शन पे करेंगे। अभी हम एक मुझे लगता है बहुत शानदार फिक्शन बन सकता है कि दो विधायक इधर जाते हैं, किधर चला जाता है, एक विधायक कहीं बल्ला चलाता है, पूरा इसमें तो थ्रिल है, सस्पेंस है, एक्शन है, बेहतरीन एक ड्रामा लिखा जा सकता है। इस पर प्लान कर सकते हैं आगे का। अभी हमारा एक थर्ड नॉवल पर काम चल रहा है, हमारा तीसरा नॉवल आ रहा है, वो सांप्रदायिक और उस पर है, थोड़ा भोपाल को भी उस पर फोकस किया है, तो वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपने सुझाव दिया है तो उस पर भी एक व्यंग नॉवल तैयार कर सकते हैं, क्योंकि अभी मैंने उन्नाव की जब घटना को मैं पढ़ रहा था कि जिस तरह से उन्नाव रेप केस हुआ, फिर उसके पिता की कस्टडी में मौत हुई पीड़िता के, फिर उसके एक्सीडेंट तक में एक एक पन्ना देख रहा था, कई सारी पुरानी कथाएं, एक तंदूर कांड हुआ था दिल्ली में आपको याद हो, कभी जैसे के लाल की हत्या होती है, कभी एक कवित्री यूपी में मार दी जाती है, अलग अलग किस्से देखे राजनीति के कई चेहरे हैं, लेकिन गंध सबसे ज्यादा इस तरह की चीज़ें आना चाहिए किसी न किसी में, जिसका जो जिस फील्ड में है वो अपने नज़रिए से अपनी चीज़ों से उस चीज़ को ला सकता है। मैं अगर लेखक हूँ तो हमारा काम है, हमारा फर्ज भी बनता है कि हम लेखन के जरिए चीज़ों को उठाएं, जो भी जिस फील्ड में वो अपने काम करना चाहिए। और ये इस तरह की जो कहानियाँ ये सब चीज़ें, अगर ये कहते हैं पावर सबसे, लेकिन ये पावर सबसे बड़ी चीज़ होती है, लेकिन हर चीज़ का एक वक्त रहता है। एक राइटर होने के नाते जब पॉलिटिकल आप लिखते हो, लगता है कि सबसे बेहतरीन जो किरदार हैं वो राजनीति में ही, हर किस्म के राजनीति तो वैसे ही समय बहुत ज़्यादा किरदारों के भरी पड़ी हो, और लोग सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, चाहे उनको व्यंग हो चाहे कुछ हो, सोशल साइड देख ली सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल उस पर भरी पड़ी है, तो लोग पसंद कर रहे हैं, इसलिए लोग चाहे वो अच्छे कामों में हो, चाहे वो कॉमेडी में हो, चाहे किसी में हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनके बारे में क्या राय है? उनके डिसीजन तो अच्छे हैं, भले ही स्टेक हैं जो भी हैं, लेकिन दिख रहा है जो भले ही उसके चीज़ों को, बहुत सारी चीज़ें चाहे परिणाम तत्काल नहीं आते इन चीज़ों के, लेकिन आएंगे। नोटबंदी का मामला हो, नोटबंदी से आम पब्लिक को क्या नुकसान हुआ? जिनकी ब्लैक मनी थी उनको नुकसान हुआ, तो वो तो जिनको नुकसान हुआ वो तो दिक्कत देंगे, तो बहुत सारी चीज़ें हो सकता है अभी प्रॉब्लम आ रही हैं चीज़ों का, लेकिन आगे चीन के सुधार होगा। टेक्नोलॉजी का दीजिए, किस तरह से उन्होंने चीज़ें की हैं, आज के आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, आपको घर बैठे सब चीज़ें हो जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें हम ऑनलाइन करने लगे, तो ये सब चीज़ें आई हैं, उसका फायदा तो है चीज़ों का। अब मध्य प्रदेश की राजनीति में क्या क्या करना चाहिए सरकार को, क्योंकि हर तरफ लोग जो हैं सरकार से, मुझे ऐसा लगता है कि अधिकांशतः लोग जो हैं वो सरकार से नाखुश हैं, 7 महीने का काम
कार्यकाल है, बहुत बड़ा कार्यकाल नहीं है। अब तो फीडबैक लेने की जरूरत है कि कहाँ जो भी प्रॉब्लम है, जो मेजर प्रॉब्लम है, सड़क, बिजली, पानी, इस तरह की जो चीज़ें रहती हैं, या भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई कोई भी हो, इन पर कसावट लाना पड़ेगी। और उनको सब चीज़ों पर, अब ये ट्रांसफ़र वगैरह क्या होता है, भले ही कुछ भी करो लेकिन चीज़ें दिखती हैं कि ट्रांसफ़र में ही लगे हुए हैं। अब चीज़ें और भी देखिए ना, जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करें तो लोग अपने आप खुश होंगे, अगर नहीं करेंगे प्रॉब्लम सॉल्व तो वो तो आक्रोश बढ़ता जाएगा। वो दूसरा क्या है कि आप देखना नहीं चाहते लोगों को। अमिताभ, दो लोगों की मैं चर्चा और करूंगा आपसे चलते चलते। एक थे हरिशंकर परसाई और एक थे शरद जोशी। दोनों ऐसी मिट्टी से थे, दोनों ने ऐसे ही लिखना शुरू किया और उनके भी जो टारगेट थे वो कहीं ना कहीं हमारे हुक्मरान थे, क्योंकि पूरा देश हमारा सिस्टम था, पूरा पूरा देश का जो स्ट्रक्चर है, ढांचा है, पूरा लोकतंत्र पर टिका हुआ है। तो सबसे ज़्यादा जो दिक्कतें आती हैं वहीं से आती हैं, क्योंकि वो पावर में है सबसे ज़्यादा। अगर वहाँ दिक्कतें हुई, परेशानी हुई, अगर कोई फॉल्ट हुआ तो वो नीचे तक जाएगा। तो सबसे ज़रूरत होती है सबसे पहले ऊपर को सुधार दिया जाए। अगर वो चीज़ें सुधर गई तो ऑटोमेटिक चीज़ें सुधरती जाएंगी सब चीज़ें। नीचे आप किसी कर्मचारी, कोई गड़बड़ कर रहा है, उसको रोकने टोकने से कोई फर्क नहीं। अगर अधिकारी ऑफिसर उसका ईमानदार है तो वो कर ही नहीं सकता। तो सबसे पहले ऊपर से ही, इसलिए सब चीज़ें उन्होंने ऊपर पकड़। एक चीज़ और है कि मीडिया पर जो आरोप प्रत्यारोप शुरू हुए हैं, इससे बचना चाहिए कि नेताओं को? आजकल देखा है कि जो सच लिख दे वो कहते हैं तो दूसरे खेमे का है। हाँ, ये तो होने लगा, बचना चाहिए वैसे, क्योंकि अब अगर लिख, अब आप लिखते हैं, लोग अच्छी भी लिखते हैं, आपकी जो चीज़ें हो रही हैं वो भी तो लिखते हैं। आप पीसी कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आप अपनी चीज़ें बता रहे हैं, वो भी लिख रहे हैं। लेकिन जहाँ कमी दिखेंगी, कोई दिक्कतें दिखेंगी, तो वो भी तो लिखेंगे। आपको पता कैसे चलेगा, फीडबैक कैसे आएगा? क्योंकि ना तो अगर आप फील्ड में नहीं जा रहे हैं तो फील्ड की जो चीज़ें आ रही हैं वो तो फीडबैक इसी मीडिया से ही आता ना कि भाई हमारी ये चीज़ प्रॉब्लम है, तभी आप सॉल्यूशन निकाल पाओगे, समस्या का समाधान निकाल पाओगे। जाएंगे, अगर मालूम ही नहीं चलेगा तो क्या समाधान होगा? तो रोकने का तो कोई औचित्य ही नहीं, जो आ रहा है आने दीजिए। अमिताभ, उल्लू का पट्टा, आपकी चर्चित किताब, ये बेस्ट सेलर की श्रेणी में शामिल हो ये किताब, और इस पर जल्दी इसका फिक्शन भी लोगों के सामने आए, लोगों को मजा आए, आप स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। From quality education to 100% placement assistance, student gets everything at LNCT University. इसीलिए LNCT University है most trusted name among students. Admissions open for UG and PG. Choose the best to be the best. LNCT University. Log on to lnctu.ac.in. आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।